Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study science of class 5, chapter number 3. The name of chapter is environmental pollution. So let's start. Students, hum discuss karne ja rahe hain environment ko. Hamare paas environment kya hota hai? थिंग्स अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट. हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं. ठीक है, अब हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द हवा पाई जाती है, ज़मीन है, पौधे हैं, ठीक है, बादल हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं. ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं. स्टूडेंट्स, जब कोई जानदार उस इन्वायरमेंट में रहता है तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बेसिकली अ लिविंग थिंग नीड्स सनलाइट, वाटर, एयर एंड फूड एंड टेम्परेचर. एक जानदार को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है, पानी चाहिए है, हवा चाहिए है, खुराक चाहिए है और साथ ही साथ टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत की भी ज़रूरत होती है. ठीक है बेटे जी, और अब ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? लिविंग थिंग्स गेट फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. किस तरह से? आप देखिए, हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत सारे हमें समुंदर दिए हैं, दरिया दिए हैं, नहरें हमारे पास हैं, तो पानी के हमारे पास बहुत से ज़खायर मौजूद हैं. तो पानी की कमी भी हमारी पूरी हो जाती है इन्वायरमेंट से. ये पौधे हमें नज़र आ रहे हैं, इन पौधों से हमें खुराक भी मिलती है और इन पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है. पौधे जब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन भी बनती है. ठीक है, इसके अलावा बाकी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हैं बेटा जी, हम हासिल करते हैं इसी इन्वायरमेंट से. ठीक है, जिसमें हम रहते हैं. बट एक मुश्किल ये है कि इन्वायरमेंट इज़ नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज इट शुड बी. हमारा माहौल इतना साफ़ नहीं है जितना उसे साफ होना चाहिए. तो आखिर इसकी वजह क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़. द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट. हमारी ह्यूमन जो हैं इनकी एक्टिविटीज़, तमाम इंसान जो हैं इनकी सरगर्मियाँ बेसिकली हमारे माहौल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को यानी कि ऐसी चीज़ों को जो हमें नुकसान पहुंचाए उन्हें शामिल कर देती है. ठीक है, इंसानों की एक्टिविटीज़ हमारे पास, हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ों को शामिल कर देती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जो कि हमारे लिए क्या है? हार्मफुल हैं. दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस कैन बी एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऐश, डस्ट एंड स्मॉग. यानी बच्चों, हमारे पास ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास ये हार्मफुल सब्सटेंसेस में सबसे पहले हम कहते हैं एनिमल वेस्ट. ठीक है, जानदारों का फजला जो है, जानवरों का जो फजला है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक हार्मफुल सब्सटेंस है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और उन फैक्ट्रियों का सारा जो वेस्ट है वो हम ऐसे ही नदी नालों में बहा देते हैं. ठीक है, इसके अलावा ऐश है हमारे पास, ऐश हम कहते हैं राख को, और डस्ट, ठीक है, गर्दो गुबार हमारे माहौल को ये भी गंदा कर देता है, और स्मोक, स्मोक जो है वो जलने के प्रोसेस से भी पैदा होती है. जब फ्यूल बर्न करता है, गाड़ियों का धुआं जो है वो भी हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस है. यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है फैक्ट्रियाँ, इन फैक्ट्रियों से ये धुआँ जो निकल रहा है, जो स्मोक है, ये बहुत ही नुकसानदेह है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स शामिल होते हैं. ठीक है, इस तरह यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे ऐसे ही हम दरियाओं में, नदियों में बहा देते हैं. ठीक है, तो इससे भी ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, और ये डस्ट जो है ये भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती है. अब हमारे पास पोल्यूशन क्या है? द एडिशन ऑफ अनवॉन्टेड मटीरियल्स टू द एनवायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएं जो हमारे लिए क्या हों? अनवॉन्टेड, जिन्हें हम रिक्वायर्ड नहीं हैं, जो हमें
जिन्हें हम चाहते नहीं हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो। ऐसी अनवांटेड चीज़ें जब हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती हैं तो ये हमारे लिए इस इन्वायरमेंट को अनफिट कर देती हैं, ये हमारे लिए इस इन्वायरमेंट को अनफिट कर देती हैं, फिर हमारे लिए यहाँ पर रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ, तमाम जानवरों के लिए फिर यहाँ पर उस इन्वायरमेंट में रहना मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इस पोल्यूशन के वजह क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो ये पोल्यूशन कॉज करती हैं? द मटीरियल विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दें, जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर दें, उस सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे डिस्कस भी किया कि पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या है, डस्ट, स्मोक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं, पोल्यूटेंट्स, बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पोल्यूशन पर। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड द लास्ट वन इज लैंड पोल्यूशन। अब हम बारी बारी इन तमाम पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एयर पोल्यूशन पर। एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, एन एयर एनवायरनमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन द ट्रैफिक स्मॉग एंड इंडस्ट्रियल स्मॉग। हमारे पास बेसिकली जो हवा की आलूदगी है वो किस तरह से होती है, जब हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उनसे ये धुआं, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इंडस्ट्रियल स्मॉग है, ये फैक्ट्री है, इसमें से यहाँ पर क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। जो भी चीज़ अंदर प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके नतीजे में ये गैस जो बन रही है ये हवा में उड़ रही है, ठीक है, इसे हम इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं। इस इंडस्ट्रियल स्मोक के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर क्या मौजूद है, टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद हैं। इस स्मोक के अंदर टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक कहते हैं ख़तरनाक चीज़ों को, जहरीली चीज़ों को, तो यहाँ पर हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल मौजूद हैं इस स्मोक के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी हवा को जाकर गंदा कर देगी, क्योंकि उस हवा में अगर हम सांस लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है बेटा जी, ये भी हमारे पास बहुत ही टॉक्सिक होता है और ये भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। दीज टॉक्सिक मटेरियल्स आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, रोड डस्ट एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम एंड फर्नेसेस आर ऑल्सो पोल्यूटिंग द एयर। बेटा जी हमारे घरों में जो चूल्हे चलते हैं, ठीक है, गैस भी हमारे पास एक फ्यूल है, पेट्रोल भी हमारे पास एक फ्यूल है, इस तरह से वो क्या होता है, हमारे पास जब फ्यूल जो है वो जब जलता है, यानी कि जब हम गैस के चूल्हे ऑन करते हैं या बाहर किसी जगह को आग वगैरह लग जाए पेट्रोल वगैरह के जलने से, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होती है, पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है और ये पोल्यूशन हमारी हवा को गंदा कर देती है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, जब ये हमारे पास एक ट्रक है, ऑयल टैंक है जिसको आग लग गई है, पेट्रोल का हमारे पास एक टैंक है जिसको आग लग गई है, और देखिए इसकी वजह से कितना धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, और ये धुआं जो है इसके अंदर बहुत से टॉक्सिक मटीरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन पर। वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या है, वी आर एडिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू रिवर्स, कैनाल, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। बेटा जी हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियाँ जब लगाते हैं, इंडस्ट्रीज जब लगाते हैं, तो उनमें से जो पानी केमिकल्स वाला होता है उसे डायरेक्टली हम डाल देते हैं रिवर्स में, कैनाल्स में, ठीक है, स्ट्रीम्स में, और साथ ही साथ हमारे ओशंस में भी। इससे क्या होता है, इन दिस वे वी आर पोल्यूटिंग दैट वाटर। हमारे पास जो समुद्रों में, दरियाओं में, नदी नालों में जो पानी है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास इसमें हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम अक्सर जाते हैं अपने जो दरिया खनन के करीब और जाकर हम वहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, और इस सीवेज से भी बेसिकली हमारे जो दरिया वगैरह हैं, हमारी जो नदियाँ हैं, वो क्या हो जाती हैं, पोल्यूट हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, उनका पानी जो है वो गंदा हो जाता है। हाईली टॉक्सिक मटीरियल्स प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये जो हमारे पास पानी इंडस्ट्रीज से आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है बेसिकली, इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, और हम कहते हैं कि पानी के पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल वेस्ट का, पानी के अंदर, रिवर्स के अंदर, हमारे पास ओशंस के अंदर, हमने उसको वैसे ही जब डाल देते हैं गंदे पानी को, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे वाटर को पोल्यूट कर देता है। क्योंकि बेटा जी हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनका जो वेस्ट है
वो हमारे पास ऐसे ही डायरेक्टली सीवेज वाटर के अंदर और गटर्स के अंदर बहा दिया जाता है। उससे क्या होता है हमारे पास, उससे हमारे पास जितने भी जर्म्स हैं वो सारे हमारे पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है, हमारे वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लैंड पोल्यूशन पर। हमारे पास ये लास्ट टाइप है पोल्यूशन की। हम क्या करते हैं, अपने घरों का सारा कूड़ा जो है वो यूं ही ओपनली फेंक देते हैं, ठीक है, सड़कों पर खाते हुए जा रहे होते हैं तो सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं, घरों का भी कूड़ा सफाई करते हैं और बाहर फेंक देते हैं गलियों में। तो इस तरह से हमारा जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, वो भी क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। वहाँ पर भी आलूगी का बाइस बन रहा है, ये रबिश जो है वो आलूगी का बाइस बन रहा है। वी थ्रो आवर डोमेस्टिक ट्रैश एट ओपन प्लेसेस ऑन लैंड। हम यही अपना जितना भी घर का कूड़ा होता है यूं ही ओपन जगहों पर फेंक देते हैं। दिस ट्रैश इंक्लूड टिन कैंस, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड। मतलब जी हमारे इस ट्रैश के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, आपके टिन के जो कैंस होते हैं जिनमें बोतलें शोतलें आप पीते हैं, हमारे पास कैन बहुत सारे हैं हमारे कैंस, उसके अलावा प्लास्टिक बैग, हमारे पास जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं शॉपर जो होते हैं वो सारे हम फेंक देते हैं, कूड़ा सारा हम फेंक देते हैं। इसके अलावा और भी जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो सारा हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी लैंड को बेसिकली पोल्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल स्प्रेज ऑन क्रॉप्स एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। हम क्या करते हैं, हम जब फसलों की कटाई कर लेते हैं उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होती है खाते हैं जिन्हें हम पौधों को डालते हैं ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिले और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है, और हम फसलों के ऊपर कुछ स्प्रे करते हैं केमिकल्स। उससे क्या होता है, हमारे पास फसलों को जलने वाले कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, इसलिए स्प्रेज किए जाते हैं फसलों के ऊपर केमिकल स्प्रेज। अच्छा, इसके होता क्या है बेसिकली, जब हम फर्टिलाइजर्स और ये केमिकल्स स्प्रे करते हैं बेटा जी, इनकी वजह से प्लांट्स को तो फ़ायदा देता है लेकिन हमारी अपनी जो लैंड है, ज़मीन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास लैंड पोल्यूटेंट्स हैं, ओके। एंड द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। हम हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनमें से भी जो सारा वेस्ट मटेरियल है उसको वैसे ही बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है, इस वजह से हमारी लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है, हमारी लैंड बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, आलूदा हो रही है। उम्मीद है बेटा जी आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और साथ ही साथ हमने काइंड्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.